अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। तो मेरी अल्लाह पाक से दिल से दुआ है, आप सब हमेशा एक दूसरे को खुश रखें, खुश करने की कोशिश करें, और अल्लाह पाक हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली, लंबी उम्र भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज आप देख रही हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे एयर रिंग्स या स्टड टॉप्स, कोके के डिज़ाइन, क्योंकि इस तरह के जो ज्वेलरी होती है, स्पेशली कान की ज्वेलरी, मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ गाज इस तरह की ज्वेलरी को कैरी करती हैं। किसी को थोड़ी ज्वेलरी अच्छी लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा। वेस्टर्न गर्ल्स इस तरह की ज्वेलरी ज़्यादा शौक से पहनती हैं और अपने ये जो ज्वेलरी के डिज़ाइंस होते हैं इनको पहनकर खुश भी होती हैं, अच्छी दवाती भी हैं कानों में, यानी कि जितने ज़्यादा होल होंगे उतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहन लेंगी। कुछ चुटकी टाइप के भी होती हैं खूबसूरती को दिखाने के लिए। तो इस तरह की ज्वेलरी के आइडियाज़ ओनली लेडीज़ के लिए दिखाए जाते हैं। इनमें जो एयर रिंग्स भी हैं, एयर स्टड भी हैं, और इसमें मुख्तलिफ टाइप की ज्वेलरी है जो कि आप गोल्ड की, सिल्वर की, डायमंड की और आर्टिफिशियल मार्केट में बनी बनाई भी मिल जाती हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ वीडियो से आप हेल्प लें डिज़ाइनिंग की। अगर आपने गोल्ड की बनवानी है, अपने ज्वेलर को दिखाएं, बताएं कि मुझे इस तरह के टॉप्स या स्टड या रिंग, जिन्हें हम बालियाँ भी कहते हैं या कोके कह लें, छोटे छोटे, बड़े बड़े, जिस भी साइज़ में आपने बनाने हैं, गोल्ड में, डायमंड में, जरकून, रूबी, फिरोज़ा, क्योंकि स्टोन नेम भी बहुत ज़्यादा हैं, बेशुमार कलेक्शन है, आपको कोई भी कलर अच्छा लग सकता है। अगर आप चाहते हैं इस तरह के ज्वेलरी को बनवाना, कैरी करना, तो आइडियाज़ वीडियो से हेल्प ले सकती हैं। बाकी इस तरह की ज्वेलरी आप itsy.com से भी बाय कर सकती हैं, वहाँ पर हर तरह की गोल्ड की ज्वेलरी, बेशुमार वेबसाइट हैं जहाँ से आप बनी बनाई ज्वेलरी भी बाय कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज पर भी ऑनलाइन ज्वेलरी के बेशुमार पेजेस हैं, तो आप उधर भी ट्राई कीजिएगा अगर आप चाहती हैं आप घर बैठकर शॉपिंग कर सकें। आइडियाज़ होती हैं, सिर्फ आपको दिखाए जाती हैं, बताए जाते हैं कि आपको घर बैठकर ये पता चल सके कि किस किस तरह का फैशन आजकल है, क्या कुछ ट्रेंड में है, लेडीज़ क्या कर रही हैं, किस तरह के फैशन करती हैं और हमें किस तरह का करना चाहिए, हमारी शख्सियत पर क्या अच्छा लगता है, हमें क्या सूट करता है और हम पर कौन कौन से फैशन अच्छे लगते हैं, हमें वही करने चाहिए। तो मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ और डिज़ाइनिंग देना। फैशन करना ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। मैं अपने चैनल पर कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस अपनी बिगनर्स बच्चियों के लिए स्पेशली शूट कर अपलोड करती हूँ ताकि वो इन्हें देख कर सीख सकें, अपने ड्रेसेस घरों में बना सकें और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और मेरे लिए भी अपनी दुआएँ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।